हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुकी डिशा में। आज हम बनाएंगे पनीर रोल। तो सबसे पहले हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 कप आटा। जितना हमारा मैदा रहेगा उसी का आधा हमारा आटा रहेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून शुगर। जो चीनी है वो पीसा हुआ चीनी है, तो आपको पीसा हुआ चीनी यूज़ करना है। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट। इन सबको पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हमें पानी डाल करके इसका हमें सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। डो को ज़्यादा हमें हार्ड नहीं रखना है, जो डो है वो एकदम सॉफ्ट रहेगा, और इसी से हम बनाएंगे लच्छा पराठा। एक बार जब डो अच्छे से बन जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और वापस से हमें इसे अच्छे से नीट करना है, और वापस से हमें डो को रेडी कर लेना है। जब अच्छे से नीट कर लेंगे तो जो डो है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और वो हार्ड नहीं होगा। अब इसे हमें ढक देना है किसी भी कपड़े से या फिर प्लेट से, और फिर इसे हमें 1/2 से 1 घंटे तक के लिए ऐसे ही रखना है। आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आप डो को नीट कर लेंगे तो बनाने से पहले हमें कम से कम इसको 1/2 से 1 घंटे के लिए डो को हमें रेस्ट में ज़रूर देना है। अब हम बनाएंगे पनीर रोल का स्टफिंग। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। पनीर आप कैसे भी शेप में कट कर सकते हैं, आप क्यूब्स भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जूलियन कट किया है। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, और सॉल्ट डालने के बाद इसे हमें अच्छे से सौते कर लेना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। और साथ ही आपको हल्के हाथ से पनीर को धीरे धीरे स्टर करते रहना है, जिससे कि पनीर जले भी ना और फिर टूटे भी ना। अब जब आपका पनीर जो है वो अच्छे से सौते हो जाएगा, इसे हमें एक प्लेट में खाली कर लेना है। और फिर सेम कढ़ाई में हम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे स्लाइस अनियन। मैंने यहाँ पे 4 पीस अनियन यूज़ किया है। इसे स्लाइस में कट कर लेना है, और इसे हमें अच्छे से कुक करना है। पूरा नहीं, बस हल्का सा जो अनियन है वो सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसमें कुक करेंगे। और यहाँ से जितना भी स्टेप है, जितना भी प्रोसेस है बनाने का, वो सब हाई फ्लेम में होगा, और ये मेथड आपका बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। 2 से 3 मिनट बाद अनियन जो है वो आपका अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को आपको अच्छे से चॉप्ड कर लेना है, मोटा मोटा न रहे, वरना वो फिर मुँह में आएगा जो अच्छा नहीं देगा। तो इसीलिए एकदम फाइन चॉप्ड गार्लिक हमें कर लेना है। उसके बाद हमें 1 से 2 मिनट के लिए वापस से सौते करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, आपका स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर लेना है। और फिर इसे हमें वापस से मिक्स करना है कम से कम 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि वेजिटेबल्स पूरा सॉफ्ट ना हो जाए और पक ना जाए। ये सारा प्रोसेस हाई फ्लेम में होगा। उसके बाद हमें फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस 1 से 2 ड्रॉप ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। हमें बस कलर हल्का सा लाना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली सॉस, यहाँ मैं बहुत थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। आप अपने तीखा के अनुसार, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वापस हमें फ्लेम को ऑन कर लेना है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार वापस से हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। एक बार जब अच्छे से कुक हो जाए, सब जो सॉल्ट है सब अच्छे से मिल जाए, उसके बाद जो हमारा पनीर था वापस से हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे, और इसे हमें वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से पकाना है 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद जो हमारा स्टफिंग है वो हमारा बन करके रेडी है। स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम बना लेते हैं लच्छा पराठा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड से बताऊँगी लच्छा पराठा बनाने का, और दोनों बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हमें छोटा सा डो ले लेना है, उसे हमें अच्छे से जितना पतला हो सके आप उसे बेल लीजिए एकदम राउंड शेप में। अब इसके ऊपर हमें घी अच्छे से चारों तरफ से हर साइड से हमें इसे फैला लेना है घी को। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा डस्ट करेंगे मैदा का, और उसको भी हमें हर साइड से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तक का जितना मेथड है वो सब में सेम है। अब जो पहला मेथड है जिससे कि आप बहुत इजी से बना सकते हैं लच्छा पराठा, वो है इस तरह से, जैसे आप पेपर से जो फैन आप बनाते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही जल्दी से बन भी जाता है। एक बार ये जब ये आपका अच्छे से फोल्ड हो जाएगा तब आपको इसे राउंड में करना है और जिसका लास्ट का पॉइंट है उसे हमें पीछे की साइड अच्छे से दबा देना है। अगर इसे आप आगे की तरफ करिएगा या फिर साइड में करिएगा तो फिर ये खुलने के चांसेस रहते हैं। अब ये है दूसरा मेथड, ये भी बहुत ईजी है। इसमें आपको नाइफ से कट कर लेना है, बीच से आपको कट करना है, आखिरी का और स्टार्टिंग का हमें थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देना है और बीच से पूरा लाइन से कट कर लेना है। और उसके बाद इसे हमें रोल करना है और बाकी जो मेथड है वो सब सेम है। इसमें भी हमें घी लगाना है और फिर जो मैदा है उसका हमें डस्टिंग कर लेना है। ये जो दोनों मेथड है वे बहुत ही इजी है, आप कोई भी मेथड से आराम से बना सकते हैं। लच्छा पराठा इसे आपका बहुत ही अच्छे से बनेगा, बहुत ही अच्छे से जो लच्छा पराठा है जिस तरह से वो खुलता है वैसे ही एकदम रहेगा और बहुत ही अच्छा ये बनेगा। अब इसे हमें अच्छे से बेल लेना है, बेलने के बाद इसे हमें सेकना है जैसे हम पराठा सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब जब इसे आप बेलिएगा तो एकदम हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा दबाते हुए हमें नहीं बेलना है वरना आपका जो डो है जो लच्छा हमने बनाया है वो सब एक दूसरे से चिपक जाएगा और फिर लच्छा की तरह आपका ये नहीं निकलेगा। इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। सबसे पहले हमें हाई फ्लेम करके दोनों साइड से हमें हल्का हल्का सेकना है, उसके बाद हमें इसमें घी लगाना है। जब आप घी लगाइएगा तो एकदम मीडियम में ही लगाइएगा, हाई फ्लेम तब हमें नहीं करना है। और पराठा सेकने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका तवा है वो बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इसे हमें घी से अच्छे से सेक लेना है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप तेल से भी इसे सेक सकते हैं। तो जो पराठा है वो अच्छे से सेक करके रेडी हो गया है। अब इसका हमें रोल बनाना है, तो सबसे पहले हम पराठा जो हमने सेका है वो लेंगे। इसे में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस, टमाटो सॉस को अच्छे से जो पराठा है उसमें हमें फैला लेना है। उसके बाद जो वेजिटेबल्स जो स्टफिंग हमने रेडी किया था उन सबको हमें लाइन से अच्छे से रख देना है। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप टमाटो सॉस के साथ जो रेड चिली सॉस होता है या ग्रीन चिली सॉस होता है वो भी आप इसमें स्प्रेड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो। और हमारा मार्केट जैसा बहुत ही टेस्टी सा पनीर रोल बन करके रेडी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।